I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Yeah. I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहले तो हम इरफान भाई के पास पहुंचे क्योंकि ट्रेलर की व्हील बैरिंग की सर्विस हो जाए. Cause I know you got me up, let me show you what's up. इसका ड्रम खुलवाया है, इसके बैरिंग चेंज करवा रहे हैं ताकि पूरे रोड जो है हमें ये आसानी से कोई मुश्किल परेशानी ना दे. और ये देख सकते हैं कि आप क्या हुलिया है इसका. वालेकुम अस्सलाम. अभी जो है ये बिल्कुल पैक खड़ा हुआ है. ये टूर हमारे लिए टफ होता है क्योंकि इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं. हमारी क्रूज़र के पीछे ट्रेलर अटैच होता है जिसकी वजह से ये सफ़र इतना लंबा हो जाता है. कराची से एग्जिट का टूल प्लाजा आ चुका है. You joking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Grab your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Deepka. Yeah, trolley hai. Deep ke saath to hoti hai ye. Deepka hoga meri jaan. ये कारवैन है आपके मुल्क में भी आ गया. ये मैंने बनाया है. अशफान सिद्दीकी मेरा नाम है. इंटर आपको यूट्यूब पे ही मिलूंगा. अशफान सिद्दीकी कहिए ना. आखिरकार हमें जीप का टिकट दिया क्योंकि कुछ तो ट्रक का ही टिकट पकड़ा देते हैं. और टूल प्लाजा के बाद थोड़ी ही दूर DHA सिटी शुरू हो जाता है जो कि सीधे हाथ की तरफ पड़ता है. हमारा सफ़र अच्छा शुरू हुआ. बच्चे भी पुरसकून थे और सफ़र एंजॉय कर रहे थे. हमारे क्रूज़र की स्पीड 90 से 60 किलोमीटर के दरमियान होती है मगर हम ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे. हमने पहला ब्रेक हैदराबाद टूल प्लाजा से पहले लिया और बच्चे स्नेक्स और रेस्ट एरिया एंजॉय कर रहे थे. निकल रहा था इस्लामाबाद के लिए, वो भी अपने कंटेनर के साथ. देख रहे हैं ना आप, मेरा कंटेनर जो है मैंने अपनी जीप के पीछे अटैच किया हुआ है. यहाँ से
आप देख सकते हैं ये इस जगह से अटैच किया हुआ है हमने, और हम जो है वो जा रहे हैं इस्लामाबाद इस पर लेकर। देखें क्या होता है रास्ते में, क्या हर्डल्स आते हैं, क्या तकलीफें होती हैं। एक आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे इस टायर की जो है वो हवा बार बार कम हो रही है, जिसकी वजह है शायद कोई छोटा सा पंचर हो, या ये देखें इतना बैठ जाता है। और अभी बिल्कुल हवा निकली नहीं है, तकरीबन 35-40 की PSI होगी इसके अंदर। कहाँ घूम रहे हो? और अजलान आजाद पंछी की तरह उड़ रहा था। He is feeling freedom. और रियान की भी सुन लें। क्या हुआ? कुछ सफ़र तय करने के बाद हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा पहुंच गए। पिछली दफ़ा हैदराबाद तक हमने सिर्फ एक दिन में पहुंचे थे अपने ट्रेलर के साथ। किचन है। ये नारायण पे लगता है, नारायण पे, नारायण इस्लामाबाद। ये मेरे ट्रेलर के फैन हो गए हैं। ट्रेलर का जो टायर हवा कम कर रहा था तो उसमें दो पंचर थे। टायर का तार निकल गया था जिसकी वजह से वो पंचर हुए थे। पंचर लगवाते लगवाते अंधेरा हो चुका था। मैंने अपना सफर जारी रखा ताकि ठंडे मौसम में ज्यादा से ज्यादा सफर कर सकें। और फिर रात को हमने एक जगह नींद ली जो कि 2-3 घंटे की थी। हमारी सुबह फजर में हुई। और सुबह बहुत ही खूबसूरत थी जो कि अंदरूने सिंध के अंदर हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ बागात थे। हमारा ट्रेलर ट्रकों के साथ पार्किंग में पार्क था।
हमने नाश्ता यहीं किया। फिर अपना सफर शुरू किया। कुछ घंटे चलते ही थे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ना शुरू हो गई। बच्चे अपनी मस्तियों में थे और सफर जारी था। ज़्यादा गर्मी की वजह से एक और बड़ा पंचर हो गया और जो कि हमें वक्त पर पता चल गया। टायर चेंज करवाने में ज़ियान ने मेरा साथ दिया। क्या हुआ अज़लान को? इधर अज़लान, गर्मी लग रही है। पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? बाबा चेंज कर रहे हैं, टायर चेंज कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप टायर चेंज नहीं करवा रहे? और फिर गर्मी के अटैक शुरू हो गए सबको, तो सब एक एक करके हैंडपंप की तरफ भागे। स्पेयर व्हील लगाने के बाद हमने फिर सफर शुरू किया। अपने दूसरे दिन भी अंदरूने सिंध में ही थे और गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी थी। हमने एक पुरसुकून शेल्टर देखकर ब्रेक लिया। इस जगह चारों तरफ गंदम के बागात थे। बहुत ही पुरसकून जगह थी, लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मैं कुछ ठंडा हुआ, मुंह हाथ पैर सब धोने के बाद मुझे सुकून मिला। क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? अज़लान की अभी अभी आंख खुली थी और फिर रियान की नाकाम कोशिश देखें। क्या करने आए हो? हाथ मुंह धोने? कैसे धोगे? ऐसे तो नहीं निकलेगा पानी।
इतना लंबा ब्रेक था, गर्मी की शिद्दत बहुत थी और फिर 3 बजे हमने यहाँ से चलना शुरू किया और रास्ते में टायर का पंचर भी लगवाया।